और इसको अंगूर बासुंदी बोलते हैं। ओके, अंगूर बासुंदी ऐड होती है। हाँ, उसमें अंगूर आते हैं। ओके, एक ग्लास में 5 अंगूर आते हैं। 5 अंगूर आता है। राजू स्पेशल फालूदा बन रहा है। हाँ, राजू स्पेशल बन रहा है। टोटल कितने कप बना रहे हो? 10 कप बना रहा है। आठ रबड़ी फालूदा। ओके, गाइस उनका स्पेशल फालूदा बन रहा है, जिसको राजू स्पेशल फालूदा भी कहता है। फालूदा में ये चीज तो कॉमन ही है ना। हाँ, ये तो कॉमन है। और इसे क्या कहते हैं, फिर से बताना। इसको तुकमा बालूंगा बोलते हैं। तुकमा बालूंगा ठंडक के लिए आता है। हाँ। और ये माँ बाप देख सकते हो, जो पूरा ये घर पर ही बनाता है। सुबह 6 बजे से काम चालू हो जाता है। तो इसके लिए कितना दूध लगता है? के लिए 120 क्रेट दूध आता है। 120 क्रेट। आज मयूर को नहीं लाया, मयूर घर पे तो मयूर दे रहा था मेरे को, याद कर बनाओ जेली का ना ड्राई वाला। पूरा मिक्स कर रहा है। तो कौन सा आइसक्रीम है ये राजभोग आइसक्रीम। राजभोग आइसक्रीम है। तो इसमें जो फ्लेवर चाहिए वो डलता है? नहीं नहीं, इसमें राजू स्टेशन में राजभोग आता है। ओके, तो एकदम प्रीमियम वाला। हाँ, आइसक्रीम भी आप खुद ही बनाते हो? हाँ। और आप हमारी ऑडियंस को बताओ कि आपका कितना पुराना है वडोदरा में? 75 वर्ष हुआ है। हाँ। पीने का ना? आठ रबड़ी में डाल दो। ड्राई फ्रूट रबड़ी कर दो। इसमें काजू देख सकते हो आप, ढेर सारे काजू इन्होंने डाले। और इसको अंगूर बासुंदी बोलते हैं। ओके, अंगूर बासुंदी ऐड होती है। हाँ, उसमें अंगूर आते हैं। ओके, एक ग्लास में 5 अंगूर आते हैं। 5 अंगूर आता है। ये अंगूर रसगुल्ले जैसे ही होता है ना? हाँ, रसगुल्ले जैसे ही होता है। और अपना एड्रेस एग्जैक्ट आप बता देना हमारी ऑडियंस को। संगम 4 रास्ता, वडोदरा में संगम 4 रास्ता के पास ही। आप किसी को भी पूछ सकते हो कि राजू फालूदा किधर है। और ये ऊपर से जैली और घनश्याम हार्डवेयर के बिल्कुल दुकान के आगे। ओके, और ये जैली है। हाँ, ये जैली है।
और ऊपर से और रबड़ी। हो गया आपका, चल रहा है अच्छा है, जिसका नहीं चल रहा है वो बोलेगा ऐसा कुछ करो।